अभी हम आर्य कन्या गुरुकुल हजारीबाग में है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे बच्चे जो यहाँ पे आर्य कन्या गुरुकुल में पढ़ते हैं वो सभी यहाँ पे हैं। और अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कॉपी वितरण हो रहा है और साथ ही साथ और कुछ भी है। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस खुशी में यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, संस्कार इनके अंदर इतना भरा हुआ है कि आप कह नहीं सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं। पहले तो हम आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही संस्कारवान है। जो हमारी परंपरा वैदिक संस्कृति रही है और इस आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर गुरुकुलों की ही परंपरा रही है, जिन गुरुकुलों में संस्कारों की शिक्षा तो अवश्य रूप से दी जाती थी और गुरुकुलों में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा उनके एजुकेशन दी जाती थी, और हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बच्चों को हम आधुनिक और प्राचीन दोनों विद्याओं को दे रहे हैं और साथ साथ इनको संस्कार भी दे रहे हैं, और निश्चित रूप से ये देश के एक अच्छे नागरिक और जवाबदेह उत्तरदायित्व व्यक्ति बनेंगे। ये आज के इस युग में देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं बहुत ही दूसरे राह पर जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी इन बच्चों के अंदर संस्कार कैसे भर पाते हैं आप? हम लोग संस्कार भरते कम हैं, इनकी दिनचर्या हमने ऐसी बना रखी है कि उसी दिनचर्या में जीते भी हैं और संस्कार अपने आप मिल जाता है इनको। प्रातःकाल 4:15 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक इनका हवन है, संध्योपासना है, योगा है, व्यायाम है, लाठी तलवार है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अंग्रेजी, गणित, टोटल इनको यही सब कुछ शिक्षा दी जा रही है और बच्चा उसी में जीता है। बस उसी जीने के कारण से अपने आप संस्कार भी आ जा रहे हैं। सभी को इस माहौल में रखा जाता है और सभी के अंदर वो संस्कार है। आप देखेंगे तो सभी एक कतारबद्ध में खड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम हुआ भैया आपका? सी ए अमन चौधरी। किस खुशी में यहाँ पे अभी आप कॉपी वगैरह क्या क्या वितरण कर रहे हैं? ये मेरे भाई का जॉब लगा है, वो अपना सैलरी से कुछ पार्ट दिया है जिसके कारण हम लोग ये अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के बीच क्या क्या अभी आप वितरण कर रहे हैं? ये है चिक्की है जी, और पेन है, और कॉपी है, पेंसिल है। इतना सारा कुछ अभी आप वितरण कर रहे हैं ना? हाँ। तो क्या कहिएगा कि ये जो है बच्चे हैं इनके अंदर जो है ये संस्कार भी भरा हुआ है और आप इनको मदद करने के लिए आए हुए हैं, समाज को क्या संदेश दीजिएगा? बच्चे लोग हैं वो भगवान के रूप है और बस वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से भी थोड़ा सा कुछ पुण्य का काम हो जाए। बच्चे आप जिनका जॉब लगा उनका भाई है क्या? हाँ चलिए, इनके पिताजी यहाँ पे हैं, क्या कहिएगा आपका बेटा का जो जॉब लगा हुआ है? अरे ठीक है। और अभी आप वही लोग से कर रहे हैं? लोग से। चलिए, बहुत खुश है ये और इतना सारा कुछ देख पाएंगे यहाँ पे, इतना सारा कुछ है और ये वितरण हो रहा है बच्चों में। वितरण करिए, हम बात करना चाहेंगे। आप अभी वितरण कर रहे हैं बच्चों को, है ना? कॉपी भी आपके हाथ में है, पेंसिल भी है और ये वितरण कर रहे हैं, क्या कहिएगा बच्चों को अभी? बस लोग पढ़ लिखे आगे बढ़े और कुछ बन जाए, बस यही उम्मीद से दे रहे हैं कि ये सारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये अपना जो है पढ़ाई, ये कॉपी और जो पेंसिल है और चिक्की वगैरह जो दे करके दिया जा रहा है। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बर्थडे में भी बांटते हैं और कुछ अच्छा खुशी होता है उस समय भी बांटते हैं, तो क्या कहिएगा समाज को? बहुत अच्छा काम करते हैं, और क्या बोलूं, समाज के लोग भी आगे आए, समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो आर्य कन्या गुरुकुल या फिर और कहीं ऐसे बच्चे जो संस्कारवान बच्चे हैं ये पढ़ते हैं तो इनको भी मदद करना चाहिए। को भी हम पढ़ाएं, आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। अच्छा, इसी में हम भी मिल करके आ गए। चलिए, साथ में खुशी से बांट रहे हैं और सभी बच्चों में देखेंगे तो ये खुशी का माहौल झलक रहा है, सारे बच्चे बहुत ही खुश हैं। कुछ बच्चों से हम जानना चाहेंगे, क्या बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? शिखा आर्य। क्या कहेगी तुमको, अभी एक कॉपी भी मिला, पेंसिल भी मिला, क्या पढ़ाई करेगी ना अच्छा से? हाँ। कौन क्लास में पढ़ती है? 5 क्लास में, है ना? क्या नाम हुआ तुम्हारा? ज्योति आर्य। क्या करेगी ये कॉपी ले रही है, इसको पढ़ाई करे, इसमें लिखेंगे, पढ़ाई करेगी, है ना? अच्छा से पढ़ती है? हाँ। सभी बच्चों को आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, संस्कारवान इतना है कि दूसरे जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे और इन सभी को जो है कॉपी दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी भी है, पेन भी है, और पेंसिल भी है, और चिक्की भी है, ये सारा कुछ वितरण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से समाज के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनको इस प्रकार के बच्चों को मदद करना चाहिए ताकि हमारा समाज का विकास हो सके और समाज के हर पहलू के लोग आगे बढ़ सके। और इन नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका कुछ सपना है भविष्य में कुछ आगे करने का, आगे बढ़ने का, वो भी आगे बढ़ सके और अपना जो गोल है, जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँच सके, अपने उस मुकाम तक जा सके। आप यहाँ पे इस वितरण में अभी शामिल हुए हैं, क्या कहिएगा कि समाज के वैसे लोग जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि आर्ष गुरुकुल कन्या के जो आप आचार्य महोदय हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इनकी त्याग और तपस्या से ये बच्चे सांस्कृतिक ढंग से और जो भारत का संस्कृति उसके तहत पढ़ाई लिखाई हो रहा है। इसलिए इस विद्यालय में जो भी बच्चे आए हैं सभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, पूरे झारखंड के कोने कोने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। और इसके पूर्व में भी दो बैंक पीओ निकाला था, एक के बैंक के अधिकारी का बेटी जो अपना तनख्वाह 36,000 रुपया जो पूरा हुआ था तनख्वाह ला के स्कूल के बच्चों को दिया गया था उसमें उन लोगों को साल दिया गया था। और एक बैंक से पीओ निकला था जिनका बेटा था वह भी पूरा 35,000 जो फर्स्ट तनख्वाह था उसे इन लोगों का कपड़ा खरीदा गया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि यह जो संस्था है ये संस्था में लोग एक समाज के सेवा के रूप से आज हम बधाई देना चाहते हैं भाई साहब को जिन्होंने आज बुक जो विद्यार्थियों के लिए अहम चीज़ है पेन इनके पुत्र का नौकरी लगा है डेमोटाल में एक फैक्ट्री खुला उसी में, इसलिए उनके हम मालिक को ही बधाई देते हैं कि जिन्होंने इनके पुत्र को नौकरी दिया। इनको ये बात आए कि समाज का सेवा और खासकर छात्रों के बीच और आज मकर संक्रांति का त्यौहार के अवसर पर जो इन्होंने वितरण कर रहे हैं समाज को एक नया दशा और दिशा दे रहे हैं और लोग को इसे सबक लेने की जरूरत है कि जब हम समाज में कुछ करेंगे तभी समाज हमको पहचानेगा जानेगा। इसलिए हर व्यक्ति को आज के आपके माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि जो भी गरीब बच्चा है जो पढ़ने लायक नहीं है उनको पढ़ाइए और जो बच्चा पढ़ेगा वही भारत में इतिहास लिख सकता है। आज हम वैसे प्रथम महिला शिक्षिका का भी नमन करते हैं सावित्री बाई फूले को जिन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनकर गौरव प्राप्त किया और आज महिलाओं का अधिकार शिक्षा का अधिकार को दिलाया है तो सावित्री बाई फूले ने दिलाया है। मैं सावित्री बाई फूले को सशस्त्र नमन और आज मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश के श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। तो यहाँ से आपने देखा कि ये सारे बच्चों को अभी वितरण किया जा रहा है, बचा ही है और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सभी को दिया जाएगा, सभी को अभी ये वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे समाज के वैसे लोग जो इकोनॉमिक्स रूप से बहुत ही अच्छे हैं उनको इन सारे बच्चों के लिए या फिर वैसे समाज के लिए जो कमज़ोर हैं उनको मदद करना चाहिए ताकि हमारा समाज का विकास हो और हमारा देश का नाम रोशन हो। तो सफर नया भारत से आप देख रहे थे।